नहीं कैसा माहौल है? सही, बड़ा शांत है, बड़ा अच्छा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो क्या समझ के आपने वोट तो क्या काफी समय के बाद चुनाव हुआ? अच्छा होएगा, अच्छा होएगा, गवर्नेंस होएगी, बहुत अच्छे, बहुत आराम से है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है, इस तरह की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वोट तो देखिए करता हूँ मैं, हर टाइम किया है, जब आज बहुत देर के बाद मौका मिला, पर ठीक है, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हमें भी अच्छा महसूस होगा, रिप्रेजेंटेशन हमारी होगी। तो हमने तो अपना अपनी पार्टी को और जो हमें एहसास है कि उस पार्टी से हमें कुछ फ़ायदा होगा, वही हमने उनको वोट दिया है। तो इंशाल्लाह, और ऐसे भी तरक्की तो ज़रूरी है, हो भी रही है और होगी, अब आगे भी इंशाल्लाह तरक्की होगी, खुदा ताला करेगा, सब अच्छा होगा। मैंने ये समझ के वोट डाला कि इस वक्त तक कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई काम जो है वो नहीं हो रहे हैं, हम किसके पास जाएं, किसी नुमाइंदा कोई है नहीं यहाँ जिसके पास हम जाएं कि हमारी परेशानी हल करो, इसलिए हमने वोट डाला कि कोई आएगा, सामने आएगा, हम उसको जाके पकड़ सकते हैं, भाई हमने आपको वोट डाला है, आप हमारी परेशानी हल करो। तो जब अब तक कोई नहीं था तो हम किसी के पास जा भी नहीं पाए, तो काम जो वहाँ रुके थे वो रुके ही हुए हैं, तो वो काम हल नहीं हुआ, तो इसलिए हमने वोट किया कि वोट कर रहे हैं हम सब कि मतलब आगे जो है जो भी काम है वो हो जाए, सबके सारी परेशानियां हल हो जाए। क्या लगता है आपको क्या काम होना चाहिए? हर कोई जो काम है सब, अब मैं अपना ही काम, अपनी ही परेशानियां रोऊंगी तो वो नहीं है ना, सबका काम होना चाहिए ना, सबकी परेशानियां हल हो, वो ऐसी गवर्नमेंट आए वो हर किसी की सुने, ये नहीं कि खाली मेरी ही सुने, सबकी सुने, सबकी सुननी चाहिए, सबकी परेशानियां हल करनी चाहिए। और ये तो है नहीं कि हर एक की परेशानी हल हो जाती है, हर कोई खुश नहीं हो सकता, एक घर में चार या छः मेंबर होते हैं, छः मेंबरों को खुश करना इतना आसान नहीं होता है, कोई ना कहीं कहीं ना कहीं कोई नाराज़ ही रहता है, मगर ये है कि मतलब जो नुमाइंदा होता है या पेरेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सबको खुश करने की कोशिश करें, वैसे ही गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हर किसी तबके को, हर किसी को की कोशिश करें हर किसी को खुश करने की। सर मैं तो हमेशा वोट डालता हूँ, जब सभी यहाँ पर पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई, मैं हमेशा वोट डालता हूँ और वोट डालना मेरा फ़र्ज़ है, हर एक आदमी का फर्ज है कि वो वोट डाले, घर बैठ के कंप्लेन करने के उससे फ़ायदा है कि आप वोट डालिए और वोट डाल के फिर जो भी आपको ज़रूरियात अपनी समझे आप फिर हक से कह सकते हैं। तो क्या लगता है आपको अब की बार क्या इश्यूज हैं लोगों के जो रिजॉल्व करने की जरूरत? मैं तो समझता हूँ कि मेरे हिसाब से डेवलपमेंट है, एजुकेशन है और यूथ।